Okay children, let's continue with may have and might have. But before this, let's recall what we have learned in previous video. I'm giving you an example. The gift may please her. The gift might please her. देखिए difference को. मैं एक बार ही कह रही हूँ कि the gift may please her. यानी यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मुझे संभावना है, मुझे लगती है ज्यादा संभावना कि उसे ये गिफ्ट खुश कर देगा. बट यदि मैं माइट का यूज कर रही हूँ तो मुझे संभावना बहुत कम है कि यह गिफ्ट उसे खुश कर सकता है. होप इट इज क्लियर. इफ आई विल टेल यू माइट यू स्वीप द रोड टूडे, माइट यू स्वीप द रोड टूडे. अब आप किसी को झाड़ू लगाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर दो बातें हो सकती है. क्या पता उसका अहंकार जाग जाए और वह झाड़ू ना लगाए रोड पर. या ये भी हो सकता है कि आप हेजिटेशन फील कर रहे हैं उसको ये बोलते हुए, है ना. जैसे माइट यू क्लीन द यूटेंसिल्स, है ना. अब आप किसी को बर्तन साफ करने के लिए कह रहे हैं तो थोड़ा सा झिझक तो होगी ना. तो ऐसे यहाँ पर आप माइट का यूज कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में. नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ माइट हैव एंड मे हैव. सी हियर, मे हैव एंड माइट हैव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग एक्शन और इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड. यानी कि जो एक्शन या इवेंट पास्ट में हो चुके हैं उनकी पॉसिबिलिटी या उनकी संभावना को जताने के लिए मे हैव या माइट हैव का यूज हम करते हैं. वो फ्यूचर में भी हो सकती है और पास्ट में भी हो सकती है. इट इज ऑल्सो यूज टू से दैट बाय सम टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर में भी समटाइम हो सकती है. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, परफेक्ट टेंस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि मे या माइट हैव का यूज करते समय वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज होगी. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, मैंने कहा आई एम सेटिंग अ रिमाइंडर इन माय मोबाइल फोन, अदरवाइज आई मे और माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट द एनिवर्सरी. यानी मैं अपने मोबाइल में जो है रिमाइंडर सेट कर देता हूँ, कर रहा हूँ. अदरवाइज क्या होगा, मैं जो है अपनी एनिवर्सरी जो है वो भूल जाऊंगा. इन दिस सेंटेंस यू कैन सी द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर में मैं भूल सकता हूँ, है ना. इट इज ऑल्सो शोइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट. हियर शी इज नॉर्मल टूडे, शी इज नॉर्मल टूडे. She may or might have forgotten about the anniversary. अरे वह तो normal है, हो सकता है कि वह anniversary भूल गई है. यहाँ पर हम present, यहाँ पर हम past की possibility बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारा जो first sentence है वो future की possibility बता रहा है और जो हमारा बाद second sentence है बाद वाला वो हमारे past की possibility बता रहा है. यारे, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मुझे लगता है अब तक शायद वह सो गई होगी. आई थिंक शी माइट हैव स्लेप्ट बाय नाउ. यानी कि मुझे लगता है, अभी मुझे लगता है प्रेजेंट में अब तक शायद वह सो गई होगी, है ना. यहाँ पर मैं भूतकाल की पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रही हूँ. ही मे बी ब्लेम्ड फॉर द डिबेकल, ही मे बी ब्लेम्ड फॉर द डिबेकल. यानी यहाँ पर भी मैं अनिश्चितता बता रही हूँ कि उसे जो है उसकी हार के लिए ब्लेम किया जा सकता है. ठीक है, तो हो सकता है आपको माइट या मे है के यूज में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो. तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जांपल्स के साथ. फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के यूज के साथ, नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड. Thank you.